फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिस्चार्ज के बारे में। एक पाइप के अंदर में क्या डिस्चार्ज होता है और कैसे इसको निकाला जाता है। तो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि डिस्चार्ज होता क्या है। देखिए, डिस्चार्ज कहें या फ्लो रेट कहें एक ही बात है। तो इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड विच पासिस पर यूनिट टाइम। यानी फ्लूइड का वॉल्यूम या फ्लूइड वॉल्यूम जो पास होता है एक यूनिट टाइम पे, उसको हम डिस्चार्ज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के एक सेकंड के अंदर में कितना पानी इसमें निकल जाता है, उसको हम डिस्चार्ज बोलते हैं, उस पाइप को डिस्चार्ज बोलते हैं। तो ये डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो एरिया इनटू वेलोसिटी होती है, ठीक है ना। ये इन दोनों पर डिपेंड करता है कि उस पाइप का वॉल्यूम, इस पाइप का एरिया और उसमें जो पानी या फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है। ये दो चीज़ें पता हैं तो हम अपना डिस्चार्ज निकाल सकते हैं पानी का, ठीक है। तो सबसे पहले देखें इसमें, तो ये हमारा पाइप है, इसका डाया ऑफ पाइप है 100 mm है, ठीक है ना, 4 inches। इसकी वेलोसिटी जो है 5 meters per second, यानी इस पाइप का डाया जो है 4 inches है, यानी 100 mm है। और इसमें जो पानी बह रहा है उसकी जो स्पीड है वो 5 meters per second स्पीड है, ठीक है ना। तो इससे हम डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। पानी बहेगा तो कुछ तो उसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है ना, कुछ तो उसकी स्पीड होगी, और उसका जो डाया है, कुछ डाया होगा उसमें भी, पाइप का डाया होगा, कितना डाया उसका, तो उसमें तभी हम इसको डिस्चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास डाया दे रखा है 100 mm, ठीक है। तो डाया दे रखा है तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया का, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका फॉर्मूला होता है पाई अपॉन 4d². पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है, 3.14/4 इंटू d², यानी इस 100 को हमने मीटर में चेंज कर लिया था, 1000 डिवाइड कर देंगे तो 0.1 meters² आ जाएगा। तो 3.14 को 0.1 के स्क्वायर का मल्टीपल कर देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये जो एरिया निकल के आ जाएगा वो 0.00785 एरिया निकल के आ जाएगा हमारा, ठीक है। आप चाहे तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एरिया आ गया। अब हमारी जो वेलोसिटी है वो 5 meters per second है, तो डिस्चार्ज निकाल लेंगे हम। डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया हमारा दे रखा है, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। वेलोसिटी हमारी दे रखी है, क्या है, 5 meters per second, इसको इससे मल्टीपल कर देंगे तो हमारा जो डिस्चार्ज आएगा वो 0.039 cubic meters per second, यानी एक सेकंड के अंदर में इतना वॉल्यूम पानी का जो है उससे फ्लो कर रहा है, यानी निकल रहा है उससे, ठीक है। तो हमारा ये डिस्चार्ज आएगा, यही इसकी डेफिनेशन होती है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड विच पासिस, फ्लूइड का वो वॉल्यूम जो पास होता है पर यूनिट टाइम में, एक टाइम में, उस टाइम को हम मिनट भी कह सकते हैं, आवर भी कह सकते हैं, सेकंड भी कह सकते हैं। तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है टाइम का वो सेकंड होता है, तो इसलिए हमने इसको डिफाइन कर दिया सेकंड, यानी एक सेकंड में 0.039 cubic meters, इतना क्यूबिक मीटर, यानी जो भी पानी है या फ्लूइड है वो इतना क्यूबिक मीटर, इतना वॉल्यूम जो है उससे फ्लो हो रहा है एक सेकंड के अंदर में। तो ये हमारा डिस्चार्ज होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा तरीका है फ्रूट्स निकालने का, इसका फॉर्मूला है। अब आपके पास में कितना भी बड़ा डाया है या कितना भी छोटा डाया है, ठीक है, और अगर उसकी वेलोसिटी दे रखी है तो आप जो है उसका डिस्चार्ज निकाल सकते हो, या उसका डिस्चार्ज दे रखा है, ठीक है ना, डाया ऑफ पाइप दे रखा है तो उसकी स्पीड निकाल सकते हो, फ्लूइड की स्पीड क्या है, कितनी स्पीड से वो बह रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।